मुझे सच्चा वाला प्यार करोगे ना? कभी मुझसे झूठ तो नहीं बोलोगे? प्रॉमिस प्रॉमिस। प्यार जो कभी किसी से भी हो सकता है, प्यार की खातिर लोग क्या कुछ नहीं करते। वही बात करें शिवानी की। शिवानी अपने प्यार की खातिर पहले हिंदू से मुस्लिम बनी और साथ ही उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया। साथ ही इन्होंने इतनी कम एज में शादी क्यों कर ली, इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज आपको बताएंगे शिवानी कुमारी और ऋषभ के बारे में। वहीं ऋषभ को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। आखिर ऋषभ है कौन, लड़की या लड़का? दोस्तों, अगर आप भी करते हैं ऋषभ और शिवानी को पसंद और जानना चाहते हैं इनके बारे में सब कुछ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शादी तो सबकी होती है, मगर जिससे प्यार करते हो उससे शादी हो जाए ना, तो जिंदगी और भी ज्यादा हसीन हो जाती है। वही हर कोई जानना चाहता है शिवानी और ऋषभ ने अपनी शादी का सच सबसे क्यों छिपाया और ये बेबी किसका है। तो ये जानने से पहले जान लेते हैं कुछ ऋषभ के बारे में। 7 जनवरी 2003 को कोटा राजस्थान में एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चे का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर छोटा नवाब के नाम से फेमस है। ऋषभ जब छोटे थे तभी से इन्हें एक्टिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था और इन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही इन्हें टिकटॉक के बारे में पता चला तो इन्होंने भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था। वहीं ऋषभ के जेंडर को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। ऋषभ का जब जन्म हुआ था तब वो लड़कियों की तरह थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं है। और वहीं बचपन से ही ऋषभ को लड़कों की तरह रहना पसंद था। इसके बाद लड़कों की तरह ही ऋषभ रहने लगे और अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। वहीं ऋषभ को लड़की या लड़का ना बोलकर टॉमबॉय बोल सकते हैं। वैसे आपको ऋषभ कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कौन कहता है कि लड़के दोस्त नहीं होते? मेरा वाला तो सहेली है सहेली। लेकिन ऋषभ को सक्सेस जब मिली, जब इनकी लाइफ में हुई शिवानी की एंट्री। शिवानी के आते ही ऋषभ की पूरी लाइफ बदल गई। अगर शिवानी की बात करें तो ये टिकटॉक पर क्यूट शिवानी के नाम से फेमस थी और इसके बाद इन्होंने शिवानी से अपना नाम साइना खान रख लिया। शिवानी और ऋषभ दोनों ही कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं और दोनों का घर पास ही पास है। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और इसके बाद एक साथ इन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। लोगों ने इनकी जोड़ी को पसंद किया और इनकी सारी ही वीडियोस वायरल होने लगी। और वीडियोस बनाते बनाते शिवानी को ऋषभ से प्यार हो गया। जब उन्होंने प्रपोज किया तो ऋषभ ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कहीं शिवानी उनकी सच्चाई जानकर उनसे दोस्ती ना तोड़ दे। मैं तुम्हें इज्जत दे सकता हूँ, ये चांद सितारे तो सब झूठ है। पर एक दिन ऋषभ ने शिवानी को पूरा सच बता दिया कि वो एक टॉम बॉय है। पर इससे शिवानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो ऋषभ को पहले की तरह ही प्यार करती रही। और ये जानकर ऋषभ की खुशी का ठिकाना नहीं था और इसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। पर जब शिवानी की फैमिली को ऋषभ का सच पता चला तो शिवानी की फैमिली ने कहा कि वो आज के बाद ऋषभ से नहीं मिलेंगी। पर शिवानी ने ऐसा नहीं किया और वो ऋषभ से मिलती रही। और जब शिवानी की फैमिली नहीं मानी तो शिवानी ने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया और वो ऋषभ के घर पर आकर रहने लगी। शिवानी ने ऋषभ के लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी। इतना ही नहीं, वो शिवानी से साइना खान बन गई। क्या हुआ, नहीं माने घर वाले? भागेगी मेरे साथ? शिवानी ऋषभ की फैमिली के साथ रहती हैं, पर अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई है। ऋषभ और शिवानी की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। वहीं फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर इनकी शादी कब हुई और इनके बेबी कब हुआ। तो दोस्तों, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है और ना ही इनका ये बेबी है। वैसे आपको क्या लगता है, शिवानी ने धर्म परिवर्तन करके सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। शिवानी ऋषभ की जोड़ी आपको कैसी लगती है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइज। कौन कहता है कि लड़के दोस्त नहीं होते? मेरा वाला तो सहेली है सहेली। बहुत प्यार करने लगा हूँ मैं इससे, अब तो बस शादी का इंतजार है। सबकी बारातें आई।